हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे, इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप एक्स्ट्रा तैयारी पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो में जिसने फिजिक्स की बात लेक्चर को नहीं देखा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग जाके देखिए, क्योंकि आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और टॉपिक का नाम है वेक्टर। क्या है वेक्टर? बहुत ही अच्छा सा नाम लग रहा है इसका। देखो स्टैंडर्ड टाइप नाम ही उसका चल रहा है, वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर में कल पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ वेक्टर और स्केलर और वेक्टर का क्या अंतर है, ठीक है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर पहला टॉपिक हम लोग का है और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो पे नए हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। क्योंकि ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी आप लोग, चाहे वो एग्जाम हो आपका, बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आप लोग IIT JEE नीट इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करेगा। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बोलोगे सर छूट गया, सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। बस एक सपोर्ट आप लोगों से मांगा जा रहा है, क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी, जिस भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, मान लीजिए ये प्लेन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इसको हम लोग सेम ऐसा है इसी एंगल पे इसी तरीके से आगे यहाँ पे लगा दें, ठीक है, जितने मैग्नीट्यूड के उतने मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में, देन इट्स कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, देन इट्स कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। और इस तरीके का अगर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम लोग यहां शिफ्ट कर दें सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसी को कहते हैं हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। एंगल बिटवीन द वेक्टर इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा भी, एक लोग टॉप के मेरे स्टूडेंट्स को, उन्होंने पूछा सर कैसे होगा, यहाँ पर अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है इसके ऊपर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसी को हम लोग इसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर ले जाके शिफ्ट करते हैं, यही कहलाता है पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर। यहाँ से ले जाके इसको यहाँ लगा दिया गया, यही कहलाएगा पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर, सेम उसी एंगल पे, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर कहलाता है, ओके। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एंगल, इसके बारे में एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, थोड़ी बड़ी टॉपिक है इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होंगे, जब भी किसी दो वेक्टर को हम लोग, जब भी किसी दो वेक्टर को हम लोग टेल से टेल या हेड से हेड मिला रहे, किसे टेल से टेल, हाँ टेल से टेल या फिर हेड से हेड, तो उनके बीच में फॉर्म होने वाला एंगल ही क्या लगता है, उनका वेक्टर का एंगल, ठीक है। कैसे कैसे करना, व्हेन व्हेन वी ज्वाइन दी वेक्टर फ्रॉम टेल से टेल और हेड टू हेड, ठीक है, टेल से टेल या हेड टू हेड। एज एग्जाम्पल फर्स्ट इज व्हाट,
एक वेक्टर ए है ये, एक वेक्टर बी है ये, इनके बीच में फॉर्म होने वाला एंगल ये क्या कहला रहा है? एंगल ये कहलाएगा, इनके बीच में फॉर्म हो रहा है। ये कैसे जुड़े हुए हैं? टेल से टेल, टेल से टेल, और सेकंड आइए कौन देखेंगे टेल से टेल कैसे, अब हेड से हेड भी जुड़े हुए हैं। एक ये, एक ये, देख रहा इनके बीच का एंगल है 120। बट एक चीज इन्होंने क्या नहीं, यहाँ पर लोग किसे जोड़ रहे हैं, हेड से हेड या टेल से टेल, तो इसका अब यूज आ गया पैरेलल शिफ्टिंग का। क्या आ गया? यूज आ गया। कैसे देखिएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग यहां पे इसको पीछे शिफ्ट कर दिया जा सकता है ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया, इनका भी हेड वेक्टर, मान लीजिए बी थे और ये एक है वेक्टर ए का और ये भी वेक्टर बी, अब हेड से हेड मिल गया तो हो गया काम, और ये पूरा 180 देता था ये 60 हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है? और थर्ड आइए, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी बताइए एंगल हुआ कि नहीं, और फोर्थ फोर्थ बताइएगा इन लोगों के बीच का एंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच में फिर 120 फॉर्म हो गया। बट फिर अभी देखते हो केस क्या है, हेड टू हेड नहीं मिला हुआ है ना, टेल से टेल, ये हेड से टेल मिला हुआ है, इसके लिए हम लोग इनको शिफ्ट कर देंगे। पहले वाले केस में इनको शिफ्ट किया गया था, अब इसको ए वाले को शिफ्ट करते हैं, दोनों को देखो क्या नजारा आता है, ये वेक्टर ए ठीक है, इनको आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब इनका यहाँ भी इनका भी टेल और इनका भी टेल मिल गया, और ये 180 था, 120 घटा देंगे 60। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। सपोज आइए एक और क्वेश्चन सीखते हैं। सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, दो क्या ज्यादा ही हैं, ए और ऐसी प्लेन पे एक ये है बी, अभी इसी प्लेन पे ये एक यहाँ सी, एक इसी प्लेन पे यहाँ डी, ठीक है। सभी लोग हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सब लोग हैं, देख रहे हैं। अब इसके भी इनके बीच का एंगल है 60, इनके बीच का भी है 60, एक यहाँ से यहाँ इनके पे लग रहा है इसी पॉइंट पे, इनके इनके बीच का एंगल है 90, ठीक है, इनको ई वेक्टर ई, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया वेक्टर ई। अब पूछा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोग को अब सबके बीच का एंगल पता लगाने के लिए इनको भी उसी के साथ जोड़ देंगे, कैसे, ये और एक ये, एक ये, एक ये और ये, इनके बीच का कितना था 60, इनके बीच का 90, सबका नाम लिख दीजिए डी E, C, B और ये A, ठीक है, इनके इनके बीच का 60, ये पूरी एक ही लाइन पे बने हुए थे, ये यहाँ के बीच का कितना हो जाएगा, पूरे एक ही लाइन पे बने हुए थे 60, ठीक है, इनके बीच के बीच का 90, पता चल गया सभी को कैसे किया गया। और जब भी when we add two vector to find the angle between them, to find the angle between them, क्या करते हैं हम लोग, अगर
क्या करते हैं हम लोग, हमेशा अंदर वाला लेते हैं, हमेशा अंदर वाला, इन दोनों के बीच में टेल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ वाला एंगल लेंगे, यहाँ वाला एंगल लेंगे, बाहर का नहीं लेंगे, छोटा एंगल। और इफ यू एड, इफ वी एड देन टू वेक्टर देन एंगल इज लेसर देन 180, क्या होगा, एंगल लेसर देन 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। हमेशा जब हम लोग किसी दो वेक्टर को टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 180 से कम ही रहेगा पहली बार, और दूसरा छोटे वाले को लेंगे नहीं, हम लोग इसको ले लेंगे, ये बड़के को नहीं लेंगे, ये जो यहाँ पे बन रहा है इसको कतई नहीं लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, जब भी टेल से टेल या हेड से हेड, हेड टेल से टेल या हेड से हेड आप जोड़ रहे हो तो कतई आप कभी भी मत लीजिएगा कौन सा, बाहर वाला या फिर बड़ा वाला एंगल, हमेशा छोटा वाला एंगल ले लेंगे, काम खत्म। समझ में आ गया सभी को, आइए सब लोग एक बार देख लीजिए जिसको जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट करिएगा, ओके आइए एक मैं मेथड पढ़ा दूं जिसको हम लोग हेड टेल मेथड कहते हैं, हेड टेल मेथड, ठीक, हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, ठीक है। हेड टेल मेथड में क्या बता दिया, क्या हम लोग जब भी किसी एंगल को जोड़ते हैं, जब भी किसी वेक्टर को जोड़ते हैं, जब भी किसी हम लोग वेक्टर को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ रहे हैं, जब भी कैसे जोड़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग टेल से टेल या हेड से हेड, बट हेड टेल मेथड में, किसमें, हेड टेल मेथड में हम लोग हेड से टेल को और टेल को हेड से, मीन पहले वाले वेक्टर के हम लोग टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को जोड़ेंगे रिजल्ट फाइंड करने के लिए। कुछ नई चीजें आ गई है यहाँ पे, कुछ नई चीजें आई है जिसको हम लोग समझेंगे, क्या है, वेक्टर को ऐड करने के लिए, कैसे करना है, एक वेक्टर किए, एक वेक्टर ये, ठीक है। जब भी किसी दो वेक्टर को बी और किसी दो ए जो जोड़ रहे हैं तो क्या था, हेड टेल मेथड, क्या क्या करते थे इसके लिए हम लोग बताइएगा सबको, हेड टेल मेथड के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका रिजल्ट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी, रिजल्टेंट के लिए इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड से, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड से जोड़ देंगे, और जो आएगा उसको रिजल्टेंट कहेंगे। इसमें हम लोग आंसर के लिए क्या यूज करते हैं, जो आंसर आ रहा है दोनों को जोड़ने पे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट कह रहे हैं। जैसे वेक्टर ए सपोज, सपोज वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, क्या है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया जाए, ए बी और यहां से यहां तक बनने वाला रिजल्ट है। तो अब कहा जाएगा कि रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 एंगल यहां बन रहा है, तो सिंपली क्या कर देंगे, बेस का स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का है मैच, हम लोग जनरली 3 और 4 को यहां से चले
थ्री और फोर को किस तरीके से जोड़ा किया करते थे, तो ज्यादातर सेवन बटे हम वेक्टर में कर रहे हैं, थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, फाइव। थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव, ये वेक्टर का है, ये मैग्नेटिक है, ये वेक्टर का जोड़ घटाना है। अभी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते थे तीन प्लस चार या थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन, बट यहाँ पे थ्री प्लस फोर इक्वल टू फाइव बिकॉज इट्स अ वेक्टर। कैसे हो रहा है ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी ये क्या हो जाता है हम लोग का हाइपरटेनस, हाइपरटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वॉट, पी आपका कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी का 3 का स्क्वायर 16 एंड 9 इज इक्वल टू 25 देन एच इज इक्वल टू 5। हम हमेशा जो भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा सभी को, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से होगा, देख लीजिए सभी लोग, आज मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, कल आने वाली वीडियो है जो उसकी टॉपिक हो जाएगी हाउ टू ऐड द वेक्टर, यहाँ पे भी 90 एंगल पे है तो हम लोग एक से डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बट अगर वो ईस्ट में 30 डिग्री टिल्ड है, ठीक है, ईस्ट में 30 डिग्री टिल्ड है फ्रॉम टू ओरिजिन तो क्या होगा, ठीक है, और भी चीजें तो हम लोग का यहाँ पे हेक्टल मेथड फेल हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम है, फिर एंगल्स ट्राइंगल का मेथड है, उस सब चीजों से हम लोग निकालेंगे, बट आज के लिए हम लोग इसको यहीं रोकेंगे और हम लोग कल पढ़ेंगे क्या क्या, पैरेललोग्राम हाउ टू ऐड एनी वेक्टर्स इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग पैरेललोग्राम से यूज कर लेंगे, पैरेललोग्राम हर लोग के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, फिर ट्राइंगल लॉ के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और वेक्टर को ऐड करेंगे, और वेक्टर को ऐड करने के लिए जो भी फार्मूला आता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इसकी यूजेस करेंगे, और एक टैन अल्फा है बी प्लस साइन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या था रिजल्टेंट का एंगल किसके किसके बीच में, रिजल्टेंट और फर्स्ट वाले के बीच के एंगल को हम लोग पता लगा लेंगे, सारी चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय।